तो यहाँ से ये याद रखें। और नेक्स्ट हमारी है, ये पिंक कलर की होती है, ये पिंक कलर की हमारी डोर स्विच जो है, सॉरी ये वाटर लेवल स्विच है, उसकी लेफ्ट साइड पे लगेगी अगर इस हिसाब से देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो बनाने का अजर मैं जितने भी मुसलमान वफात पा चुके हैं उनके नाम करता हूं और ख़ासकर अपने वालिद मरहूम के नाम करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की हमारी वीडियो है सैमसंग टॉप लोड वाशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक के बारे में। ये इसकी आठवीं, इसका पार्ट एट है। इससे पहले हमने सेवन पार्ट बनाए हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो रिपेयरिंग है उससे रिलेटेड। अगर आप वो भी देखना चाहें तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन होंगे, वहाँ से आप जाके उनको देख सकते हैं। तो आज इसके बाद इसकी जो है ये इसकी वायरिंग के रिलेटेड है कि कौन सी वायर किधर कनेक्ट होनी है। ये अक्सर हमारे कंट्रीज़ में ये मसला आ जाता है, हमारे घरों में ये मसला आ जाता है कि माउस जो चूहा है वो इसकी वायरिंग को काट देता है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा काट दी थी और नहीं पता चल रहा था कि कौन सी वायर किधर कनेक्ट होनी है। अगर आपके साथ भी यही मसला है तो आप इसकी वायरिंग को मेरी इस वीडियो को देखकर इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये फ्रंट पैनल है, ये मैंने खोला हुआ है। इस डोर को आप हटाएंगे तो यहाँ एक स्क्रू है, उसको आप अनस्क्रू करके ये थोड़ा सा स्लाइड करेंगे लेफ़्ट की तरफ तो ये आराम से खुल जाएगा। इसी तरह बैक वाले जो कवर है इसके दो स्क्रू होते हैं, वो हटाएंगे तो ये आराम से निकल आएगा। तो अभी शुरू करते हैं कि कौन सी चीज़ किधर लगनी है। ये मैंने पीछे वाले हिस्से की और ये फ्रंट वाले हिस्से की पिक्चर मैंने अलहदा से की है ताकि आपको पता चल सके। सबसे पहले ये जो वाइट है ये वाला कनेक्टर और ये ब्लैक, ये वाइट, ये येलो और ये ब्लैक। तो वाइट ये जो है ये 220 इन है, फेज इन है ये वाली वाइट। और उसके बाद ये ब्लैक है, ये 220 न्यूट्रल इन है। तो ये जब ये दोनों हम इसको अपनी सॉकेट में प्लग लगा देते हैं, बाहर से ऑन कर देते हैं, तो उसके बाद हम जब इस पीसीबी को यहाँ से ऑन करते हैं, ये ऑन वाला बटन है, तो उसके बाद ये क्या होता है कि ये एक रिले लगी हुई है, ये वाली ये रिले ऑन होती है। तो ये 220 न्यूट्रल जो है यहाँ कनेक्ट हो जाती है, तो ये न्यूट्रल हमारी चली जाती है कोल्ड और हार्ट, ये दोनों हार्ट और कोल्ड पे न्यूट्रल इन हो जाती है, ये इधर से रूटिंग होके जाएगी। और यही जो है ये हमारी येलो है, ये हमारी इस वाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगी जो मोटर का न्यूट्रल है, और नीचे हमारी जो रिले है उसकी ड्रेन की, उसके साथ जाके ये कनेक्ट हो जाती है। तो ये तारें तीनों कंप्लीट हुई। उसके बाद ये दो तारें हैं, एक ये ब्लू है और एक ये तकरीबन रेड है, ये हमारी मोटर की जो ब्लू और रेड आती है उसके साथ जाती है। एक होती है ये ब्लू वाली जो है, ये आपकी है मोटर की काउंटर क्लाक वाइज रोटेशन के लिए, ये उसके साथ होगी। और दूसरी हमारी ये जो रेड वाली है ये क्लाक वाइज रोटेशन के लिए मोटर के साथ, ये पीछे नज़र आए मैंने काटी हुई है, प्लग मैंने काटा हुआ, वो भी चूहों ने काट दिया था, तो ये उसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह ये जो येलो थी ये उस वाइट के साथ, और एक और आ रही होती है ब्लैक, वो ब्लैक जो होती है वो ड्रेन होती है ये वाली, ये ब्लैक ड्रेन वाटर के लिए इस्तेमाल होती है। ये मॉस्फेट इसको और इसको बारी बारी देते हैं, अपनी पावर देते हैं रोटेशन के लिए। ये ब्लैक उधर हो गई। अब हमारी नेक्स्ट है ये ब्राउन कलर की, ये कोल्ड वाटर इनलेट पे जाएगी। और उसके बाद ये पिंक कलर की है, शेड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ये हॉट वाटर इनलेट पे जाएगी। ये हमारे साइड की सारी वायरिंग कंप्लीट होगी। अब एक ये प्लग बचा है, इस प्लग की तरफ अगर जाएं तो सबसे पहले ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर आपकी डोर स्विच पे जाएगी, डोर स्विच के एक साइड पे लग जाएगी। और दूसरी जो हमारी ऑरेंज है ये नेक्स्ट वाली, ये ऑरेंज डोर स्विच के उस साइड पे, और दूसरा ये हमारा वाटर लेवल जो स्विच है उसके सेंटर में जाके लगेगी ये ऑरेंज, तो यहाँ से ये याद रखें। और नेक्स्ट हमारी है ये पिंक कलर की होती है, ये पिंक कलर की हमारी डोर स्विच जो है, सॉरी ये वाटर लेवल स्विच है, उसकी लेफ़्ट साइड पे लगेगी अगर इस हिसाब से देखा जाए।
तो ये पर्पल कलर जो है ये राइट साइड पर डोर स्विच के लग गया। तो इस तरह ये हमारी सारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपकी भी वायरिंग को इस तरह चूहे वगैरह ने किसी चीज़ ने काट दिया है, नहीं पता चल रहा, या कोई भी अनफॉर्चुनेटली आप काट बैठे हैं, नहीं पता चल रहा कौन से किधर लगनी थी, तो आप इस वीडियो को पूरा देख के आप अपनी रिपेयर कर सकते हैं, कनेक्शन ठीक कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट भी किया करें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आपने वीडियो देखी है फिर चैनल को सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि हम आपकी हेल्प के लिए ही ये वीडियोस बना रहे होते हैं। तो इस तरह ये इसकी वायरिंग कंप्लीट हुई है। अभी हम भी इसको पूरी तरह इंस्टॉल करके इसको रन भी करेंगे, ऑपरेट भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।